सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। उत्तर भारत के कई हिस्सों में रविवार को मूसलाधार बारिश हुई और भूस्खलन एवं वर्षा जनित विभिन्न घटनाओं में कई लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में यमुना सहित देश के उत्तरी क्षेत्र में कई नदियां उफान पर हैं। कई शहरों और कस्बों में सड़कें तथा आवासीय क्षेत्र घुटनों तक पानी में डूब गए और रिकॉर्ड बारिश के चलते निकाय व्यवस्था पंगु नजर आई। अचानक आई बाढ़ से पर्वतीय इलाकों में सड़कें बह गई। हिमाचल में तो बारिश की वजह से उफान पर आई नदियों ने रौद्र रूप ले लिया। आलम यह है कि कुछ जगह पर सड़क बह तो गई और कहीं पर पुल बह गए। मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो दिनों तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ पंजाब, हरियाणा, यूपी और पूर्वी राजस्थान में भी अगले दो दिन में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में आज भी भारी बारिश का अनुमान है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है और साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। सीएमओ से जारी बयान में कहा गया कि आपदा की इस घड़ी में एकजुट होकर सरकार का सहयोग करें और अगले 24 घंटों तक घरों में रहें। इधर दिल्ली में बारिश और जलभराव को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में यमुना के बढ़ते स्तर पर भी चर्चा होगी। बैठक में फ्लड कंट्रोल विभाग के बड़े अधिकारी और एमसीडी के अधिकारी भी शामिल होंगे। उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बीते दो दिन से मानसून की बारिश से मुश्किलें बढ़ गई है। इस इलाकों में अलग अलग हादसों में 19 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा तबाही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हुई है। हिमाचल के कुल्लू, मनाली और मंडी में कई जगह भूस्खलन की घटनाएं हुई, जिससे चंडीगढ़ मनाली हाईवे का एक हिस्सा भी बह गया। हिमाचल में भारी बारिश से 700 से ज्यादा सड़कें बंद, 3 नेशनल हाईवे पर भी ट्रैफिक रोकना पड़ा है। यहां बिजली का संकट भी खड़ा हो गया है। करीब 1800 बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़ गए हैं। राज्य में दो दिन के लिए स्कूल भी बंद कर दिया गया है। चंबा, कांगड़ा, मंडी, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर जिलों में भारी बारिश के अलर्ट के चलते लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में भूस्खलन और बाढ़ की आशंका जताई है। शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर की ऊंचाई वाले इलाकों के साथ साथ लद्दाख से भी हिमपात की खबरें हैं, जहां भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई हिस्सों में रविवार को लगातार तीसरे दिन भी भारी बारिश और बेमौसम बर्फबारी होने के कारण दो सैनिकों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। जलाशयों के जल स्तर में वृद्धि के कारण मौसम विभाग ने जम्मू क्षेत्र और लद्दाख के कुछ हिस्सों के लिए सोमवार के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि जम्मू क्षेत्र के कई निचले इलाकों के लोगों को एहतियात के तौर पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ में बहे 2 सैनिकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। खबरी चौखट की रिपोर्ट। We'll be right back.